आया था टिकट पता करने के लिए। हमारे ब्लॉग स्टार्ट में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक रेलवे स्टेशन पे जो कि हमारे गांव के पास ही पड़ता है, जो कि आप लोग को मालूम होगा, ये लोकेशन दिखता होगा, तुमरिया का लोकेशन है। और तुमरिया में आया था टिकट पता करने के लिए, तो यहाँ बोला कर्मचारी कि यहाँ से नहीं बनता है, आपको झंझारपुर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कल झंझारपुर के लिए हम जाएंगे, और झंझारपुर का भी होगा तो शूट करके हम आप लोग को दिखाएंगे। दो महीना पहले हम एक वीडियो यहाँ से बना चुके हैं, जो कि बहुत ही व्यूज़ भी आया है, बहुत भी लाइक हुआ है। हमारे इधर का जो आदमी लोग था देखा है। और मैं अभी आया था टिकट पता लगाने के लिए, तो सोचा क्यों नहीं कि फिर एक वीडियो बना दूँ। और दो महीना हो भी गया, यहाँ से टिकट आप नहीं बना सकते हैं, और अगर टिकट बनाना हो तो आपको झंझारपुर या सकरी जाना पड़ेगा। फिलहाल ये तुमरिया का रेलवे स्टेशन है, जो कि अभी समय 4:40 हो गया है, 4:45 हो गया है अभी। ट्रेन का भी समय बीत गया है, मैं तो पहले अगर आता आधा घंटा पहले पौन घंटा पहले आता तो मैं आपको जो 4 का ट्रेन आता है लोकल जो सहरसा सुपौल के लिए जाती है वो मैं आपको दिखा देता। फिलहाल ये आप देखिए। और 2 पहले जो मैं आया, बहुत ही चेंजिंग लग रहा है। चलिए बहुत ही खुशी का बात है कि चलिए फटाफट काम भी हो रहा है। और अभी मैं ठीक जहाँ से टिकट काउंटर है और टिकट बनता है वहाँ पर मैं हूँ, और वहीं से मैं वीडियो शूट करता हूं। और फिलहाल ये पीछे हमारे पीछे ये आप बिल्डिंग देखते होंगे, ये डॉक्टर साहब का भी घर है, जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, वो सोया हुआ है। अभी मैं टिकट काउंटर के पास हूं, जहां मैं अभी पूछा था कि यहां से टिकट बनता है कि नहीं बनता है, आप यहां से टिकट कटा सकते हैं। पहले वाले वीडियो में भी दिखाए थे, ये यहाँ से आप पता करके यहाँ से आप जा सकते हैं। ये आपको टिकट काउंटर हो गया, जो कि 2 है। हमारे तुमरिया गांव में 3 है, जो कि 1 पे हूँ मैं अभी, और 2 आपको दिखता होगा, और 3 आपको ये साइड में है। और ये 2 और 1 का ये जो लाइन है, पटरी है, ये है, और 3 का जो साइड में है, साइड में अभी काम चल रहा है। और मैं पहले भी बताया था जो ब्रिज का, 2 पहले भी ये पाया ऐसे ही था, और अभी का समय में भी पाया ऐसा ही था। अभी लग रहा है कि ब्रिज का काम बरसात की वजह से रुक गया है, फिर भी काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। उधर आप देखते होंगे आगे, यहाँ पे बहुत ही कीचड़ टाइप का रहता था, अभी जैसे लग रहा है कि ढलाई हो गया है। बहुत ही अच्छा बात है, ये छोटा मोटा मार्केट भी है, तो मिलने का सुविधा भी है, बहुत अच्छा भी है, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये तो खुशी का बात है कि हमारे छोटा सा गांव में ये इतने इतने बड़े डॉक्टर आते हैं और सबको सुविधा देते हैं कम दामों में, और गरीब लोग को भलाई करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल 1 पे हूँ, और 1 का व्यू कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही मज़ा है। तुमरिया गांव में खुशी का बात ये है कि पहले रेलवे जो था ये छोटी लाइन का था, अभी बड़ी लाइन का हो गया है। फिर भी अभी हमारे समझ से लग रहा है कि ट्रेन और ज़्यादा देना चाहिए, अभी ज़्यादा ट्रेन तो दिया नहीं, 1-2 दिया है। तो एक सुबह को 7 आती है शायद, और 10 और 4। चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को तुमरिया स्टेशन रेलवे स्टेशन का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तुमरिया स्टेशन में रेलवे जो बड़ी लाइन बनी है, इससे आप लोग कितना दिल में खुशी है। हम लोग को तो बहुत खुशी है, क्योंकि पहले जो छोटी लाइन थी तो बहुत तकलीफ़ें होती थी, अभी बड़ी लाइन हो गई है तो बहुत ही अच्छा बात है कि यहाँ से तुमरिया से पकड़ो सीधा सकरी दरभंगा के निकल पड़ो, इधर सहरसा तक बन गया है। तो चलिए हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और देखते रहिएगा, और भाई को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोग देखते रहिएगा।